الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों से ईमान अफरोज जो कि तरावियों का सिलसिला जारी है लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में रमजान के बाबरकत सादों में। सबसे पहले हम पहुंचे लाहौर के वस्त में वाके बागे जिना से मुत्तसिल जामिया मस्जिद एहसान इलाही जहीर में, जहां नौजवान आलम दीन डॉक्टर सुबही अल इकराम अपनी खूबसूरत आवाज में नमाज तरावी पढ़ा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला बड़े ही करीम है, अल्लाह बड़े ही रहीम है, अल्लाह बड़े ही मेहरबान है, लेकिन तू भी तो कुछ सोच कि तू अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी के हक को अदा कर रहा है कि नहीं, तू इफ्तार के हक को अदा कर रहा है कि नहीं, मुझे नहीं आएगी। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इसको 5 साल हुए हैं, वैसे मैं तरावी जो है वो 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, सऊदीया से मैंने किया था, वहीं से मैंने जो है ना तरावी पढ़ाने का मैं ये समझता हूँ। जब तक पढ़े लिखे नौजवान, जब तक ताजर, जब तक साउंड फैमिलीज के बच्चे आगे नहीं आएंगे, तब तक दीन गालिब नहीं आ सकता। दीन को दीन के लिए इस वक्त दीन को जरूरत है, आप जैसे हम जैसे नौजवान अगर लीड करें। बिल्कुल फरमाया, आपने देखा कितनी मल्टी डायमेंशनल शख्सियत है माशाल्लाह। ये है अपनी नौयत की मुनफरिद और खूबसूरत तरीन मस्जिद जामिया मस्जिद मंसूरा। हरे भरे दरख्तों और फूलों से मुजयन इस खूबसूरत मस्जिद में दूर दूर से नमाजी शौक़ से नमाज पढ़ने आते हैं। कई दहाइयों से इसकी रौनकें आबाद हैं। अल्लाह ताला इसकी रौनकें हमेशा आबाद रखे। लाहौर की मुख्तलिफ मसाजिद से होते हुए अब हम पहुँचे हैं मंसूरा, जामे मस्जिद मंसूरा, जो कि अपनी नौयत की एक मुनफरिद और ख़ूबसूरत तरीन मस्जिद है। इसका जो पूरा इसकी जो पूरी आबादी है, ये बस्ती और ये मस्जिद जो है, ये एक माशाल्लाह की अपनी अलग से एक वाइब और एक फीलिंग रखती है। तरावियाँ जा रही हैं, कारी खतीब साहब जो है वो इस बार तरावियाँ पढ़ा रहे हैं, और साला साल से हम देख रहे हैं माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत रवायात यहाँ पर चल रही हैं, और यहाँ पर क्या रवायात और क्या तरतीब होती है, आइए आपको फिर साथ चल के दिखाते हैं। थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि मंसूरा मस्जिद
की बुनियाद कब डली, इसकी तारीख क्या है और किस तरीके से सिलसिला आगे बढ़ा? ये मंसूरा की बस्ती जो है ये सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के फिक्र का नतीजा है। इसका नाम भी उन्होंने रखा था मंसूरा। और जब पूछा गया जी मंसूरा आप क्यों नाम रख रहे हैं, तो फरमाया कि मंसूरा का माना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद इसको हासिल है। 1974 में मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस कसम की बुनियाद रखा। 2 साल के अंदर मस्जिद की पूरी तामीर जो है वो मुकम्मल हुई। जनाब यूसुफ सदीदी मरहूम ने, जो बहुत ही मारूफ खत्तात थे, उन्होंने इसके हाल के अंदर भी और इसके बाहर की दीवारों के ऊपर भी वो खत्ताती है, उसमें आयात करीमा लिखी हुई हैं और ये खत्ताती का एक बेहतरीन और नादर नमूना है। यहाँ पे साथ साथ जो है वो रिफ्रेशमेंट और ज़ियाफ़त का अहतमाम भी है, तो ये भी बड़ा अच्छा इंसेंटिव है कि पूरे लाइवलीनेस जो है वो नज़र आ रही है पूरी लाइफ के अंदर यहाँ पे। मतलब नमाजी वहाँ से आते हैं और नमाज के बाद जो है वो ये उनके लिए रिफ्रेशमेंट का और ज़ियाफ़त का इंतजाम मौजूद है, तो ये मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा एक ट्रेंड है। मस्जिद को एक लाइवलीनेस का और एक जिंदा दिल्ली का मरकज़ होना चाहिए और इस तरह का अगर रहेंगे तो बहुत अच्छा, एक मेहमान नवाजी का उसके अंदर एलिमेंट भी है। तो यहाँ पे मोहम्मद अली भी नज़र आ रहे हैं, तो आइए हम इनके साथ चाय पीते हैं। अभी आपने जिन माशाल्लाह जो खूबसूरत अतरावी की आवाज़ सुनी है, खूबसूरत किरत सुनी है, वो ये हमारे नौजवान दोस्त हाफिज़ सहल इलाही ज़हीर साहब थे। तो अपने बारे में बताएंगे कि हिफ्ज़ कितने अरसे में किया, कब किया और कहाँ से किया? हिफ्ज़ मैंने 10 साल की उम्र में किया था, 4.5 माह में फैसल इस्लामिक सेंटर। अच्छा माशाल्लाह, ये तो हमारे इल्मी से बड़ा इंकशाफ है और इंस्पिरेशन भी है कि 4.5 माह के अरसे के अंदर 10 साल की उम्र में पूरा जान माशाल्लाह हिफ्ज़ किया। साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी किरत कॉम्पटिशन ना तो स्पोर्ट्स वगैरह में के, तो कुछ टीचर्स फिर किरात कंपटीशन में मना भी करते थे क्योंकि हमेशा उसमें बच्चों बाकी की पोजीशन नहीं आती थी। अच्छा, मतलब जिस कंपटीशन में आप हिस्सा ले उसमें बाकी के फारिग हैं, आप पोजीशन फिर आप ही क्या थे। बहुत शुक्रिया सहल भाई, इंशाल्लाह आएंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया। और ये है वाबर टाउन में वाकई जामिया मस्जिद बैतुल अतीक। ताक रातों में लैलतुल कद्र की तलाश में निकले नमाजी बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करते हैं। और दिलचस्प बात यह कि इस मौके पर नमाजियों के लिए रिफ़्रेशमेंट और चाय का भरपूर अहतमाम किया गया था, जिससे नमाजी वक्तन फवक्तन महजूज होते रहते हैं। कुछ तरावियाँ पढ़ ली हैं और कुछ चाय के बाद इंशाल्लाह बड़े साहब आते चाय के लिए।
इस वीडियो के लिए लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ मसालिक की मुख्तलिफ मसाजिद में जाने का इत्तेफाक हुआ। कोई ऊंची आवाज़ में आमीन कहता था, कोई धीमी, किसी के हाथ पेट पर बंधे थे, किसी के सीने पर, किसी की शलवारें टखने से ऊपर थीं और किसी की नीचे। इन सब में अगर कोई एक बात कदर मुश्तरक थी तो वो ये कि सब लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के मानने वाले थे, उसी के आगे सर बसजूद थे और उसी की रहमत के तलबगार थे। वो ज़ात जो हय और क़य्यूम है, जो अलीम व ख़बीर है, जो अला कुल्ली शैइन क़दीर है, सब अमीर और ग़रीब, शाह और गदा, काला गोरा, हर इम्तियाज़ से बालातर हो गए, सब एक सफ़ में खड़े थे, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज़।